अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब, कहिए जनाब क्या हाल चाल, फिट एनर्जेटिक, तैयार हो जाएं, राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन चलने वाली है। हर स्टॉप पे एक नया सेगमेंट होगा और मजे मजे की बातें होंगी। आज नोवेरा आ रही है मेरी क्लास फेलो, और नोवेरा दो बिल्लियों की कहानी लेके आ रही है। तौसीक अंकल, आपको पता है ये बजाय दो बिल्लियों की कहानी जो है बच्चों के लिए है, लेकिन नहीं 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 नहीं, इस कहानी में जो असल पैगाम है वो बड़ों के लिए भी है। तो बड़े भी जो है, अंकल्स एंड आंटीज एंड चाचाज एंड पुप्पोज एंड मुमानीज एंड खालाज भी नोवेरा की कहानी आज जरूर सुनेंगे, जो कि दो बिल्लियों की कहानी है। इसके अलावा क्या है जनाब, इसके अलावा गुरु काशिफ हमारे साथ होंगे और काशिफ हमें जिम फिट रहने की कोई नई टिप्स बताएंगे और आप उन्हें फॉलो करेंगे। रिबेका होंगी मेरे साथ, रिबेका हमारे लिए दो अच्छी अच्छी गुड न्यूज मजेदार खबरें लेकर आएंगी। एंड ऑफ कोर्स आज हमने आपकी मुलाकात करवानी है डॉक्टर सैयदा सकीना से, और डॉक्टर सैयदा सकीना जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और आज इनसे हमने कील महासों जी, एक्नी, कॉमन प्रॉब्लम खासतौर पे यंगस्टर्स का, टीनेजर्स का, इस हवाले से कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या कहती है, लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स क्या कहते हैं, इस हवाले से कुछ हम टिप्स लेंगे, क्या कुछ चीज़ें खाएं, कुछ चीज़ें ना खाएं, इससे कील महासे, पिंपल, इन पे कोई असर पड़ता है, फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, ये सारी कहानी हम करेंगे डॉक्टर सैयदा सकीना से। एंड देन आज के राइजिंग पाकिस्तान के अख्तिताम पे हम आपको अपने कराची स्टूडियोज की एक यादगार रिकॉर्डिंग दिखाएंगे, जो हमने की अदनान अंसारी से, जो कि एक बेसिकली तो एक क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, सेट डिज़ाइनर हैं, जो क्या होते हैं जनाब, रैम्प्स और वॉक्स और फैशन शोज के क्यूरेटर हैं, कोरियोग्राफर हैं। इंग्लिस्तान में पिछले 10 साल से पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री, पाकिस्तान की ग्लैम इंडस्ट्री के मॉडल्स और क्या कहते हैं फैशन डिज़ाइनर्स और मेकअप आर्टिस्ट, इन सब को प्रमोट कर रहे हैं, पाकिस्तान का फैशन सीन लेकर जाते हैं यूरोप, और यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के फैशन शोज करवाते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कराची में पाकिस्तान फैशन वीक क्यूरेट किया, बहुत ही कामयाब और ज़बरदस्त वो इवेंट किया, तो हमने सोचा कि अदनान अंसारी से आपको मिलवाया जाए। और अदनान अंसारी का और पाकिस्तान टेलीविजन का भी बड़ा ज़बरदस्त रिश्ता है, इन्होंने कई साल यहाँ पे एज अ क्रिएटिव हेड काम किया, और मुझे याद है कि राइजिंग पाकिस्तान का आज से 12 साल पहले हमारे इसी शो का एक बड़ा खूबसूरत सेट था जो बड़ा पॉपुलर हुआ, रेड वेलवेट की उसकी लुक थी, और वो सेट भी अदनान अंसारी लगाया था, हमने कुछ पुरानी यादें उनके साथ ताज़ा की, बड़े मज़े का सेशन रहा फैशन इंडस्ट्री के ऊपर, ग्लैमर इंडस्ट्री के ऊपर, पाकिस्तान इंटरनेशनली कहाँ स्टैंड करता है, हम आगे बढ़ रहे हैं या क्या सीन है, इस हवाले से हमने अदनान से बातें की। आप ज़रूर इस सेशन को इन्जॉय करेंगे। तो जनाब ये है सब आज के राइजिंग पाकिस्तान में, मेरे और मेरी टीम के पास आपके लिए चल के लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक काली बिल्ली है, एक सफ़ेद बिल्ली है, एक मैं हूँ और एक नोवेरा है, हम चारों अगले सेगमेंट में इस ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। Welcome back to Rising Pakistan, the one and only Nowhera हमारे साथ मौजूद। Assalamualaikum तौसीक अंकल। Waalaikum assalam Nowhera, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? I'm good, thank you very much, thank you very much. वो किधर है भाई? वो white बिल्ली किधर है? Black बिल्ली किधर? मांग मोती? मोती मोती मोती? मांग मांग मांग? भाग गई है मेरा ख्याल है दोनों, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, उनकी स्टोरी तो आपके पास है। हाँ, मैंने ये एक्सपीरियंस की थी, तो फिर हम लोग देखते हैं। बस ठीक, बताइए जी क्या कहानी है, मोती और मांग की कहानी आज हम सुनेंगे नोवेरा से, और फिर एंड में मैं आपको बताऊंगी इसकी मीनिंग क्या है। ओके जी, ठीक है, सुनाइए। तो फिर एक लड़की होती है, उसका नाम होता है राबिया। ओके। उसको वो उसको क्या कहते हैं किट्टीज, जैसे उसको पालने का बहुत शौक होता है, बिल्ली के बच्चे, बिल्ली के बच्चे। ओके। तो उसको बहुत शौक होता है बिल्ली के बच्चे, वो पाले। तो फिर क्या हुआ कि उसको दो बिल्ली के बच्चे मिले। अच्छा जी, ठीक है, उसके फ्रेंड ने उसको दे दिए। ठीक है, ठीक है। तो फिर एक का नाम था मोती और एक का नाम था मांग। ओके, मोती और मांग। ठीक है जी, मोती व्हाइट वाली थी और मांग ब्लैक वाली थी।
ओके ठीक है। तो फिर वो दोनों सिस्टर्स थी जैसे बहनें थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि वो जो राबिया थी वो दोनों को जैसे इक्वल थिंग्स देती थी। अच्छा। सही टाइम पे दूध देती थी, एक ही प्याले में दूध देती थी, जैसे कुछ चेंज नहीं होता था उसमें। यानी दोनों को एक जैसा खाना, एक जैसा प्यार, एक जैसा बिस्तर, यानी दोनों के कंफर्ट एक जितनी, ताकि उनका एक उसको फील ना हो, एक को फील ना हो कि नहीं इसको ज्यादा अच्छा मिल जाए, तो फिर वो इक्वल हो जाए। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जो मोती है ना वो अपने बहन के बारे में बुरी चीजें सोचती है कि मुझे नहीं अच्छी लगती, वो ब्लैक है, वो काली है और देखो इतनी बुरी लगती है। अच्छा, तो ये मोती जो है व्हाइट वाली, वो अपनी ब्लैक वाली बिल्ली सिस्टर जो थी उसके बारे में ये सोचती थी कि इसका रंग काला है तो ये अच्छी नहीं है और मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ। और फिर क्या हुआ कि जो मांग अपने, तो फिर मोती अपने बहन के बारे में हर वक्त बुरी चीजें सोचती थी, और क्या कहते हैं जो मांग है ना, मांग अपने बहन के पास अच्छी चीजें सोचती थी और कभी कभी अपने दूध दे देती थी उसको थोड़ा सा। ओह हाउ नाइस, अपने हिस्से का दूध भी उसको दे देती थी। अच्छा जी, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मोती को एक आइडिया आया, वो किचन में गए, ठीक है, और फिर उसने हांडी गिरा दी और फिर बोतियां लेके उधर गिरा दी जहाँ पे अच्छी तरीके से मांग सोई हुई थी, ठीक है। फिर राबिया आई और उसने कहा ये क्या हो रहा है, फिर उसने देखा कि बोतियां मांग के प्लेस में पड़ी हुई हैं, तो फिर उसको एहसास हुआ कि किचन में गिरी हुई है और फिर इसने की होगी उसने। ओके, यानी ये मांग के ऊपर इल्जाम लग गया। हाँ। अच्छा, फिर तो फिर क्या हुआ कि उसने पकड़ा और मांग को, उसने कहा देखो मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखती हूँ लेकिन तुम मेरी चीजों का ख्याल नहीं रख सकते, और तुमने हंडिया गिराई और बोटियां सारी उठा के तुम चली गई, है ना। डांट पड़ी मांग को, जो ब्लैक वाली थी उसको डांट पड़ गई, हालांकि गड़बड़ की थी व्हाइट वाली ने। जी ओके। तो फिर क्या हुआ, जो मांग थी ना वो जैसे अब क्या राबिया मोती को अपने नजरे में अच्छी समझती थी और मांग को बुरी। ओके ठीक है, उसने कहा कि ये तो गुड गर्ल है और ये बैड गर्ल है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, लेकिन वो ऑपोजिट है जैसे। जी जी बिल्कुल, हम समझ रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि क्या हुआ कि एक उसकी मामा ने कहा कि वो हम लोग कहीं जा रहे हैं तो तुम अपना ड्रेस सी लो, ठीक है। वो कहीं जा रहे थे ना, ठीक है। हाँ। तो फिर वो अपना ड्रेस सी रहे थे, तो फिर क्या हुआ कि मोती ऐसे बैठ गए चेयर पे, इसलिए राबिया को पता था कि ये खराब नहीं करेगी चीजें, तो उसने उसको बैठने दिया, लेकिन माँ कॉर्नर में सर्दी में बैठा रहा, बैठी रही ना मांग जो है, क्योंकि वो तो राबिया समझती थी कि वो अच्छी बच्ची नहीं है, ठीक है जी। तो फिर क्या हुआ कि सिल्क का कपड़ा उसने बनाया था और फिर रख दिया ऐसे सुकून से मोती सोई भी। फिर क्या हुआ, एक चूहा आया, चूहा, और चूहा, आपको अगर नहीं पता कि चूहा को सिल्क के कपड़े बहुत खाने के पसंद है। अच्छा जी। उसने देखा वो चल रहा था और फिर उसने देखा कि मोती बैठी हुई है व्हाइट वाली, तो फिर वो डर गया और फिर मोती ने आंख खोली, उसको पता चल गया कि ये जो आया है ना माउस, जो चूहा, वो खराब करने आया है सिल्क के कपड़े। लेकिन उसने अपनी जगह से हिली नहीं। ठीक है, फिर क्या हुआ कि वो उसने कहा इसको परवाह नहीं है मैं चला जाता हूँ, लाइक कूल। हाँ। फिर वो गया और फिर उसको मांग नजर आई। ओके। और फिर क्या हुआ, यानी ब्लैक वाली नजर आई, ब्लैक वाली, ठीक है। फिर ब्लैक वाली को पता चल गया वो खराब करने वाला है चूहा उसका ड्रेस, तो फिर वो जोर से गए और मुकाबला करना शुरू हो गए। फिर माउस ने कहा, अपने मूंछें थोड़ी सी लंबी की और इसने कहा ये तो ब्लैक है, ये मेरे कैसे मेरे साथ मुकाबला, वो भी उसके जज कर रहा था कि ये ब्लैक है। अच्छा, उसने भी कहा कि ये तो काली है, इसको क्या लड़ना आएगा, ये तो कुछ भी नहीं कर सकेगी। फिर वो एक मुकाबला हो रहा था और फिर जो मांग थी ना उसका ईयर जैसे जख्मी हो गया था। और फिर क्या हुआ, राबिया अंदर आ गई, राबिया ने बकाया वो चूहे को और फिर अब पकड़ा मांग को और बैंडेज लगाई कान पे और कहा हर इस दिन मुझे लगा था कि तुम बुरी थी लेकिन मैं मेरी ये गलती हो गई।
कि मैंने तुम्हें गलत समझा, गलत जज किया। तो मोती ऐसे बैठी हूँ मजे से आज। तो फिर उसने क्या है, मोर ब्यूटीफुल है ना। तो फिर क्या हुआ, मोती राबिया ने मोती को डांटा और फिर मोती रो 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 के उसने कहा कि सॉरी मैं अपनी गलती मानती हूँ, और फिर वो अच्छी सी लाइफ रहना शुरू। ओके, तो फिर सबकी दोस्ती हो गई है ना। तो राबिया को पता लग गया असल में कि वो जो मांग है, जो काली वाली बिल्ली है, वो असल में गुड गर्ल है। उसने चूहे को भगाया, उससे फाइट की अपनी मालकन के लिए, और जो मोती साहिबा है वो ऐसे महारानी बन के बैठी रही। तो ये सब चीज आया हो गई। तो फिर अब बताओ इस पूरी कहानी से हमने क्या सबक सीखा? हम लोगों ने सीखा कि हम लोगों ने किसी को जज नहीं करना हो कि वो किस कलर में है। आपने देखिए, नेचर ने आपको एक चीज दी हुई है, आप काले हो, आप वाइट हो, आप व्हीट कलर हो, आप जो भी हो, किसी ने आपको जज नहीं करना। इसलिए नेचर ने आपको एक चीज चाहिए होती है और आप उसको ठीक नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, रब की जात ने, नेचर ने, कुदरत ने, अल्लाह मियां ने हमें जो भी कलर दिया है, जो भी कम्प्लेक्शन दिया है, सब लोग बराबर हैं, सब बहुत खूबसूरत हैं, किसी को उसकी रंगत पे जज नहीं करना चाहिए। और भी चीजें, जैसे अगर एक डिसेबल हो, वो व्हीलचेयर में, हम लोगों ने उसको जज नहीं करना चाहिए। अगर कोई बंदा बहुत टॉल हो या बहुत छोटा हो, डॉर्फ उसको कहते हैं, हम लोगों ने उसको जज नहीं करना। इसलिए अल्लाह ताला, जैसे नेचर ने हम लोगों को ये चीज दी है। एग्जैक्टली भाई नोवेरा, थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी तुमने हमें मोती और मांक, काली और बिल्ली, काली बिल्ली और सफेद बिल्ली की कहानी सुनाई, और सारा जो कलर डिस्क्रिमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल क्लियर हो गया मुझे। और मैंने अपने स्कूल में भी देखा हुआ है कि लोग ब्लैक पीपल को बुली करते हैं, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है ना, कि जो जरा डार्क कॉम्प्लेक्शन के बच्चे होते हैं उनको जरा गोरे रंग के बच्चे बुरी नजर से देखते हैं। लेकिन वो इक्वल है, सब सब इक्वल है। वेरी गुड, जबरदस्त स्टोरी थी, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम, ऑल द बेस्ट। हम चल के लेंगे साथियों राइजिंग पाकिस्तान में अब एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो रिबेका मेरे साथ होंगे। रिबेका आज आपके लिए लेकर आ रही हैं दो मजेदार खबरें। सेगमेंट है हमारा गुड न्यूज़।